तीन चार साल की उम्र से मैं बजा रहा हूँ. मैं तो म्यूजिशियन की फैमिली से हूँ. मैं पूना से एक अहमदनगर करके गाँव है वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ. मेरे दादाजी बजाते थे, वो ट्रम्पेट बजाते थे. हमारा ऑर्केस्ट्रा था प्रॉपर, तो मैं ऑर्केस्ट्रा में पूरा ऐसे फिल्म सॉन्ग्स वगैरह बजाता था. तो मेरे लिए प्रोफेशन में आना ऐसे कुछ हुआ ही नहीं, वो ऐसे जर्क कभी लगा ही नहीं मुझे. मैं बजाते गया और आज मैं बजा रहा हूँ और मज़े ले रहा हूँ प्रोसेस का. कुछ ऐसे दिमाग में नहीं है कि यहाँ पे जाना है वहाँ पे जाना है. जो मैं बजा रहा हूँ, जिनके साथ हूँ, जिन लोगों के साथ हूँ, मैं खुश हूँ. मेरे गुरु जी है तालियों के पंडित सुरेश तड़वलकर जी है, मेरे गुरु जी प्रमोद मराठे जी. तो मैं अभी सीख रहा हूँ और चालू है सब. मेरे पिताजी कीबोर्ड बजाते हैं, मेरे दादाजी ट्रम्पेट बजाते थे, मेरे अंकल है वो क्लैरोनेट बजाते थे. तो पूरा लाइट म्यूज़िक का बैकग्राउंड है मेरे फैमिली में. मैं खैर मेरे पिताजी तो गवर्नमेंट सर्वेंट है, पर म्यूज़िक तो है फैमिली में. क्लासिकल म्यूज़िक की देन मैं कहूँगा कि मुझे पंडित सुरेश तड़वलकर जी की वजह से मैं यहाँ पे हूँ आज. ऐसे मैं कह सकता हूँ कि उनके जो संस्कार है, उनका सहवास है, उसकी वजह से मैं आज जो भी कुछ हूँ थोड़ा सा मैं बजा पा रहा हूँ, तो उनकी बदौलत है. हारमोनियम एज अ सोलो इंस्ट्रूमेंट अभी मैं उसी पे काम कर रहा हूँ. पंडित जी मुझे सिखा रहा है कि अब तक क्या होते आया है कि गायकी अंग से बहुत हारमोनियम बजी है, यानी तंत्रकारी में भी बहुत काम हुआ है, ऐसे नहीं है बड़े बुजुर्ग लोगों ने किया, पर हारमोनियम की अलग टेक्निक डेवलप होनी चाहिए. गायकी अंग से ही बजी है तो फिर लोगों का कुछ ऐसा पर्सपेक्टिव था कि अगर गायकी अंग से बजानी है तो हम गाना सुनेंगे, हारमोनियम क्यों सुनेंगे. मुझे पूरा भरोसा है कि फ्यूचर में हारमोनियम सोलोस भी बहुत अच्छी तरीके से होंगे. मुझे हमेशा लगता है कि लिमिटेशंस आदमी में होते हैं, इंस्ट्रूमेंट में नहीं होते हैं, जो पंडित शिव कुमार शर्मा जी ने प्रूव करके दिखाया है कि संतूर ऐसे इंस्ट्रूमेंट, फोक इंस्ट्रूमेंट उन्होंने मेन स्ट्रीम क्लासिकल लाइन में खड़ा करके रख दिया. तो लिमिटेशंस हम कहीं कम पड़ रहे हैं, तो क्योंकि इंस्ट्रूमेंट तो वो भगवान की बनाई देन है, तो वो तो कम नहीं पड़ेंगे. कुछ चीज़ें होती है जो अभी जो हारमोनियम में बजेगी वो दूसरे किसी में भी नहीं बजेगी, तो ऐसे है. तो बहुत से इंस्ट्रूमेंट में कुछ खामियां तो होगी, पर हम खामियों की तरफ ही देखते रहेंगे तो फिर ऐसा है ना कि आदमी को किसी को देखे आप और सिर्फ बुरा ही सोचे तो आपको उसमें बुराई ही दिखेगी. आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा दिखेगा. कॉन्सर्ट के पहले अगर आप फ्रेश मूड में हो तो फिर आपका जो प्रोडक्शन होता है म्यूज़िक का वो भी थोड़ा सा ये होता है ना. नहीं तो आप सीरियस होंगे तो म्यूज़िक तो सीरियस ही होना चाहिए पर दिमाग थोड़ा सा शांत होना चाहिए. उसलिए थोड़ा सा हल्का फुल्का अगर एटमॉस्फेयर हो तो अच्छा होता है. आप ये क्लासिकल म्यूज़िक को प्रमोट करने के लिए इतनी बड़ी एक्टिविटी कर रहे हैं, बहुत ही यानी सब फैटर्निटी की तरफ से मैं आपको बधाई देता हूँ, आपको थैंक्स देता हूँ कि ये सब म्यूज़िक प्रमोट करने के लिए आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं. तो ऐसे ही हम आर्टिस्ट लोगों की तरफ से जो भी कुछ भी सपोर्ट चाहिए हम हमेशा देते रहेंगे.